हाँ बेटा, सुंदर तो लग रहा है, कलर भी अच्छा और कपड़ा भी सॉफ्ट है ना मम्मी? अच्छा लगेगा। आ गई मम्मी, ये प्रसाद दिया था उन्होंने। आज तो थक गई, इतना नाचे कीर्तन में, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया मम्मी आज। अच्छा दीदी, बहुत मजा आया होगा। हाँ छोटी, लास्ट में तो फूलों की बारिश हुई थी, चारों तरफ फूल ही फूल हो गए थे। तू तो मनाही कर रही थी, मैंने भेजा ना तुझे जबरदस्ती, लेकिन तुम आजकल की बहुओं को तो बस वो अपनी किटी पार्टी में मजा आता है। अरे भगवान की किटी पार्टी में जो मजा है ना, वो तुम्हारी किटी पार्टी में कहाँ है। वहाँ कम से कम भगवान का नाम तो लिया जाता है और इंजॉय का इंजॉय होता है। हाँ मम्मी, मुझे नहीं पता था कि कीर्तन में भी इतना मजा आता है। अगली बार ना मम्मी मैं भी जाऊंगी दीदी के साथ, मुझे तो ना बहुत सारे भजन भी आते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता तुझे भजन भी आते हैं। दीदी मुझे तो ढोलक भी बहुत अच्छी बजानी आती है। ये तो अच्छी बात है, तेरी जिठानी को ना तो ढोलक आती है ना गाना बजाना आता है। चलो, एक तो आई इस घर में जो गाना बजाना सीख के आई है। अब जा खाना खा ले, थक गई होगी। आज तो बहू ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, खा के देखना। हाँ हाँ, अब तो यही अच्छी लगेगी तुम्हें। मैं क्यों अच्छी लगूंगी, अब तो इसके हाथ का खाना भी अच्छा लगेगा। इतने सालों से मैं बना रही थी तो वो बेकार था। छोटी की बच्ची तुझे तो मैं देख लूंगी, जिस दिन तो मेरे हत्थे चढ़ गई ना तो बस। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं खाना खाने जा रही हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं कैसी सब्जी बनाई है। तैयारी तो मैंने कर ली, पता नहीं है दोनों संभाल भी पाएंगी या नहीं। छोटी बहू, बड़ी बहू, इधर आओ दोनों। हाँ जी मम्मी। हाँ जी मम्मी जी। छोटी बहू, बड़ी बहू, तुम दोनों को पता है ना कल मैं भाई के यहाँ जा रही हूँ। हाँ पता है। बेटा तुम दोनों मिलकर घर को संभाल लेना। बड़ी बहू, छोटी बहू तेरी छोटी बहन जैसी है, तो इसको जो काम समझ में ना आए तो तू समझा देना। और छोटी बहू, जो भी काम हो दीदी से पूछ पूछ के करना, ठीक है? मम्मी जी, आप छोटी की बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बेफिक्र होके जाओ। इसका तो मैं ऐसा ध्यान रखूंगी कि आप देखती रह जाओगी, और ये भी जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सिर में दर्द हो गया अब तो, 3 घंटे हो गए फोन देखते देखते, बात भी सबसे कर ली, अब क्या करूं? कॉफी पी लेती हूँ। छोटी। हाँ जी दीदी। छोटी, एक कप कॉफी बना दे मेरे लिए, मेरे तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, फोन देखते देखते थक गई मैं तो। दीदी मैं तो खाने की तैयारी कर रही हूँ, कॉफी आप बना लो। क्या, मैं? सास के जाते ही तू तो जवाब देने लगी मुझे। दीदी मैंने तो बस आपसे। खैर छोड़ो, अभी लेके आती हूँ। ये लो। और हाँ, जब तक खाना बन जाए ना तो मुझे बता देना, और उसके बाद साफ सफाई और ये बर्तन वर्तन का काम निपटा लेना। ठीक है। दीदी मैं आराम करने जा रही हूँ, सब काम हो गया है। कपड़े कौन धोएगा? वो कोई नौकरानी आके नहीं धोएगी, जाके ना मशीन लगा ले। दीदी मैं थक गई हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ काम में, मशीन आप लगा लो। तू मेरे कहे को मना कर रही है? ठीक है मत कर, आने दो देवर जी को, तुझे पता है ना मेरी कितनी इज्जत करते हैं वो, भाभी माँ मानते हैं मुझे। अगर एक बार कह दिया ना तो खैर नहीं है तेरी। दीदी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर हो क्या गया है आपको? अगर तू चाहती है ना कि मैं तेरी शिकायत ना करूं तो चुपचाप मेरा काम करती रहे, समझी?
ये ले कपड़े और इन पर प्रेस कर दे। प्रेस कर दो? लेकिन दीदी आप तो कपड़े बाहर प्रेस करवाते हो। प्रेस कर रही है ये कौन देवर जी से? रख दो अभी कर देती हूँ। ये रखे कपड़े और कर देना प्रेस। बड़ी बहू। मम्मी जी आप तो कल आने वाले थे। अरे हाँ आना तो कल था, लेकिन तेरे मामा जी को ना काम था इधर की साइड। अब मैंने सोचा एक दिन में क्या हो जाएगा, तू चल, उसको फिर दोबारा आना पड़ता। छोटी बहू कहाँ है? हे भगवान, मुझे तो उसे समझाने का भी टाइम नहीं मिला, अब तो सब बता देगी। मम्मी जी आप आ गए। छोटी बहू ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? मम्मी जी आपके जाने के बाद ना दीदी ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, ये घर का सारा काम मुझसे करवाती थी, ना मुझे ढंग से सोने देती थी ना आराम करने देती थी, खुद तो बेड पे पड़ी रहती थी सारा दिन और बैठी बैठी ऑर्डर चलाती रहती थी। बात बात पे कहती थी देवर जी से कह दूंगी देवर जी से कह दूंगी, यहाँ तक कि मम्मी जी इन्होंने मुझे ढंग से खाना भी नहीं खाने दिया। क्या सच मम्मी जी? ये बैठी पूछ लो इनसे। बड़ी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू। हाँ बड़ी बहू, क्या हुआ तुझे, इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? पसीने नहीं तो, अपनी देवरानी की तारीफ सुन के पसीने आ गए। तारीफ? किसकी तारीफ? ले तेरी तारीफ और किसकी। छोटी बहू जब से तेरी तारीफ किए जा रही है तेरा ध्यान कहाँ है, सुन भी रही है तू? तेरी देवरानी कह रही है कि तूने बड़ी बहन की तरह ध्यान रखा है इसका, कुछ भी काम नहीं करने दिया। बेटा मैं तो तुम दोनों का आपसी प्यार देख के बहुत खुश हूँ, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अरे बच्चे खुश तो माँ बाप खुश। अच्छा बेटा मैं थक गई हूँ गाड़ी में बैठे बैठे, छोटी तू चाय बना देना बेटा, अब मैं लेटूँ आराम करूँ। ठीक है ठीक है मम्मी जी, आप बैठो अपने कमरे में, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। छोटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा सलूक किया फिर भी तूने मम्मी को कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं दीदी, छोटी अपनी इस बड़ी बहन को माफ़ नहीं करेगी, एक मौका नहीं देगी मुझे भी अपनी गलती सुधारने का। चलो कर दिया माफ़, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आपको वो कटहल की सब्जी बनानी पड़ेगी, आपके हाथ की मुझे बहुत अच्छी लगती है। चल ठीक है, आज मैं तेरी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने भी पूनम प्रिया लाइफ मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।